श्रमिक नेता एवं सदस्य। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मातहत सन 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता शासन प्रणाली प्रचलित होने जा रही थी और उधर भारत में नए चुनावों की सरगर्मियां प्रारंभ हो गई थी। प्रत्येक दल चुनाव लड़ने की तैयारी में लीन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने साथियों के सहयोग से अगस्त 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और ऐसे कार्यक्रम की विस्तृत योजना प्रस्तुत की जिसमें भूमिहीनों, गरीब किसानों तथा मजदूरों की तत्कालिक समस्याओं का विवेचन एवं समाधान था। इस दल का दृष्टिकोण केवल अछूतों तक सीमित नहीं था बल्कि समस्त किसान मजदूर वर्ग तक व्यापक था। हालांकि उसका कार्य क्षेत्र बम्बई प्रांत ही था, दल ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि वह जनसमूहों को जनतंत्र की पद्धतियों की शिक्षा देगा, उनके समक्ष सही विचारधारा प्रस्तुत करेगा और विद्यायन प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक कार्यों के लिए उन्हें संगठित करेगा। डॉक्टर अंबेडकर का मजदूर दल स्पष्टता प्रतिक्रियावाद, पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, धर्मांधतावाद आदि का घोर विरोधी था और वह चाहता था कि देश में ऐसी उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जो मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने में सहयोग दे। चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर वायु परिवर्तन की दृष्टि से 35 नवंबर 1936 को जनेवा के लिए रवाना हो गए। बाद में लंदन गए और 24 जनवरी 1936 को भारत वापस लौट आए। कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर की यात्रा विशेषकर लंदन जाने की थी, जहां वह ब्रिटिश अधिकारियों से यह विचार करके आए कि दलित वर्गों द्वारा सिख धर्म अपनाने के बाद क्या उनके राजनीतिक हित नए संविधान में सुरक्षित रहेंगे। जब वह वापस आए तो यह अफवाह उड़ाई गई कि वह किसी यूरोपियन लेडी से विवाह कर लाए हैं, परंतु जब भीड़ ने जो उनके अभिनंदन के लिए आई थी बाबा साहब को अकेले देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। बाबा ने इस अफवाह का खंडन किया कि विवाह करने का उनका कोई इरादा है। शीघ्र ही उन्होंने चुनाव आंदोलन प्रारंभ कर दिया और सारे बम्बई प्रांत का दौरा किया। 175 सीटें बम्बई काउंसिल में थी जिसमें से 15 दलितों के लिए सुरक्षित थी। स्वतंत्र मजदूर दल के 17 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से 15 उम्मीदवार चुने गए। पहली बार इतना बड़ा चुनाव लड़ा गया था इसलिए इस सफलता पर महाराष्ट्र के दलितों में खुशी की लहर दौड़ गई। दलितों के लिए सुरक्षित सीटों में से कांग्रेस केवल 2 सीट जीत पाई। राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रकार का यह तहलका मच गया क्योंकि काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर का होना कांग्रेस दल के लिए एक चुनौती था। वे कांग्रेस के कट्टर आलोचक थे और कांग्रेस की राजनीतिक चालों को भली भांति जानते थे। 19 जुलाई 1936 को बम्बई प्रांत में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल गठित किया गया, जिस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि किस प्रकार ब्राह्मणवाद सरकार पर छा गया है, क्योंकि अधिकतर मंत्रीगण ब्राह्मण थे, उनमें से कोई भी दलित वर्ग से नहीं लिया गया था। काउंसिल में एक सरकारी बिल पेश किया गया जिसके द्वारा अछूतों के लिए हरिजन शब्द के प्रयोग की सिफारिश की गई। डॉक्टर अंबेडकर, दादा साहेब गायकवाड़ तथा अन्य सदस्यों ने इस शब्द का कड़ा विरोध किया, परंतु बहुमत होने के कारण कांग्रेस ने वह शब्द अछूतों के माथे मर दिया। दादा साहब ने यह पूछा भी था, यदि अछूत लोग हरिजन ईश्वर के लोग हैं तो क्या स्वर्ण हिंदू किसी दानव से संबंधित हैं? डॉक्टर साहब ने भी कड़ा विरोध किया और कहा कि हम बाद में मिलकर किसी अच्छे शब्द का चुनाव करके बतला देंगे, क्योंकि हरिजन शब्द में पाखंड की बू आती है। जब डॉक्टर अंबेडकर के निवेदन की ओर ध्यान नहीं दिया गया तब उनके दल के सभी सदस्य विरोध प्रकट करने की दृष्टि से हॉल के बाहर चले गए, अर्थात उन्होंने विरोध में वॉकआउट किया। हरिजन वास्तव में हरि का भक्त ही होता है जो राम तथा रामायण में अटूट आस्था रखता है। सभी दलितों को हरिजन नाम देना एक प्रकार का थोपा हुआ अन्याय था जिसे आज भी दलित पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र में महान लोग गांवों में अधिकतर चौकीदारी का काम करते थे जिसके बदले में उन्हें बतनी भूमि मिलती थी, लेकिन उस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। भारत में डॉक्टर अंबेडकर प्रथम विधायक थे जिन्होंने बतनी व्यवस्था की समाप्त कर जोतने वालों को भूमि पर अधिकार हो इस आशय का बिल प्रांतीय काउंसिल में पेश किया, परंतु सरकार का रुख पक्ष में न होने के कारण वह पास न हो सका। कोकन की खोती प्रथा जो जमींदार प्रथा जैसी थी समाप्त करने के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर ने एक बिल प्रस्तुत किया था जिसके समर्थन में वे कई जिलों के किसान मजदूरों को काउंसिल हॉल के समक्ष लाए थे, परंतु कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी कि डॉक्टर साहब का कोई भी कार्यक्रम सफल हो, फलतः वह बिल भी पास न हो सका। 30 दिसंबर 1937 को डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग सोलापुर जिला कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पंढरपुर गए, जहां उन्होंने बतलाया कि दलितों के समक्ष 3 प्रमुख समस्याएं हैं। प्रथम, क्या कभी हिंदू समाज में दलितों को समानता का स्तर प्राप्त होगा? द्वितीय, क्या उन्हें राष्ट्र संपत्ति में से न्यायोचित हिस्सा मिलेगा? और तृतीय, क्या आत्मसम्मान तथा आत्म सहायता का आंदोलन सफल होगा?
प्रथम के संबंध में उन्होंने कहा कि जब तक जाति व्यवस्था है उन्हें समानता का स्तर नहीं मिल पाएगा। द्वितीय के संबंध में कांग्रेस का व्यवहार बड़ा खेदजनक है, क्योंकि वह अछूतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ना तो कोई कदम उठाती है और ना ही उठाए गए कदमों का समर्थन करती है। कांग्रेस तो पूंजीपतियों का संगठन है, अतः जब तक कांग्रेस पर पूंजीपतियों का आधिपत्य है और वह सरकार में है, दलितों को अपने आर्थिक उत्थान की कोई बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता है कि इन पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित हुआ जाए और स्वतंत्रता पूर्वक आर्थिक प्रगति की ओर ध्यान दिया जाए। तृतीय समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि उस आंदोलन से उन्हें कुछ प्राप्त ही होगा, खोएंगे नहीं। वहां से वह मातंग कॉन्फ्रेंस में गए, जहां उन्होंने कहा कि लोगों को एक दल के प्रति भक्ति भावना का त्याग करना चाहिए, अन्यथा यहां जनतंत्र का गला घुट जाएगा। औद्योगिक विवाद बिल के अंतर्गत मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में अवैध घोषित करने का अधिकार सरकार को मिला था, जिसका विरोध डॉक्टर साहब ने किया और उसके विरोध में उनके मजदूर दल तथा प्रांतीय ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस ने 7 नवंबर 1938 को बंबई की मीलों और कारखानों में तथा अन्य नगरों की मीलों और कारखानों में एक दिन हड़ताल करने की घोषणा की। डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य मजदूर नेताओं ने स्वयं लाउडस्पीकर से प्रचार किया। सरकारी विरोध के बावजूद भी वह हड़ताल सफल रही, जिसका भारी श्रेय डॉक्टर अंबेडकर और उनके स्वतंत्र मजदूर दल को मिला। डॉक्टर अंबेडकर वैसे दीनहीनों के मसीहा तो थे ही, पर मजदूरों की कुछ हड़तालों का सफलतापूर्वक संचालन करने के पश्चात वह मजदूरों के नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। मजदूर आंदोलन को लेकर वह साम्यवादियों से भी भिड़ गए, क्योंकि वे मजदूरों के जीवन के व्यवहारिक पक्ष की उपेक्षा कर उन्हें हड़तालों में ढेल कर साम्यवाद का प्रचार करते हैं। डॉक्टर साहब ने श्रमिकों से कहा कि दुनिया में दो वर्ग मुख्य हैं, धनी और निर्धन, शोषक एवं शोषित। मध्यम वर्ग वह होता है जो छोटा सा वर्ग है, अतः मजदूरों को सोचना चाहिए कि उनके निर्धन होने का क्या कारण है। उनकी गरीबी का मुख्य कारण शोषकों की धनिकता है। उनका काम है कि बिना किसी भेदभाव के वे मजदूर मोर्चा तैयार करें और उन्हीं प्रतिनिधियों को चुनें जो उनके हितों की सच्ची सुरक्षा कर सके। यदि वे इतना कर लें तो संभवतः कोई भी मजदूर रोटी कपड़ा और मकान के अभाव में मृत्यु को प्राप्त न हो। डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों की शक्ति एवं तीक्ष्णता को देखकर कम्युनिस्ट नेता भी आश्चर्य में पड़ गए और उनके विरोधी भी यह सोचने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर भूमिहीन मजदूरों, श्रमिकों, किसानों के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभर रहा है। बंबई में मीलों के बुनाई जैसे कुछ विभागों में अछूतों को नौकरी नहीं दी जाती थी, क्योंकि वहां धागा मुंह से काटना पड़ता था, जिसको छूने से स्वर्ण हिंदू मजदूरों को पाप लग जाता था। उधर रेलवे विभाग में भी पोर्टर तक की नौकरी अछूतों को नहीं दी जाती थी, क्योंकि पोर्टरों से स्टेशन मास्टर घरेलू काम करवाते थे और इसलिए उनका स्वर्ण हिंदू होना आवश्यक समझा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ने इन अन्यायों के प्रति बार बार आवाज बुलंद की और मनमांड रेलवे के अछूत मजदूरों की सभा में उन्होंने कहा, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ये दोनों श्रमिकों के शत्रु हैं, क्योंकि दोनों ही समता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव के प्रतिकूल हैं। इस प्रकार हर जगह डॉक्टर साहब ने मजदूरों को अन्याय के प्रति संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान की, जिसके अभाव में वे अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। बंबई के मजदूर आंदोलन तथा हड़तालों से कम दो बातें उभर कर सामने आई। प्रथम, यह सिद्ध हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर श्रमिक मोर्चा पर भी सफल हो सकते हैं। उनके संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और मजदूरों के सच्चे हितों की रक्षा में योगदान किया। एक मजदूर नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई और अखिल भारतीय श्रमिक समस्याओं के क्षेत्र में उनको स्वीकार किया जाने लगा। द्वितीय, डॉक्टर साहब ने अपने मजदूर आंदोलन को कम्युनिस्ट से बिल्कुल अलग रखा, क्योंकि उनका यह स्पष्ट मत था कि कम्युनिस्ट लोग अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और उनका सही मार्गदर्शन नहीं करते। डॉक्टर साहब इतने प्रभावशाली नेता हो गए कि उत्तर प्रदेश में किसान मजदूर नेता स्वामी सज्जानंद उनसे बंबई में मिले और आग्रह किया कि वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए कांग्रेस में शामिल हो जाएं। लेकिन विद्वान डॉक्टर ने कहा कि कांग्रेस स्वतः पूंजीवाद तथा ब्राह्मणवाद का शिकार है, वह साम्राज्यवाद का क्या मुकाबला करेगी। कांग्रेस तो संवैधानिक मशीनरी को किसान मजदूरों के हितों का बलिदान कर पूंजीपतियों के हितों तथा निहित स्वार्थों की पूर्ति में प्रयोग कर रही है, अतः एवं उन्होंने कांग्रेस में शामिल होना कतई स्वीकार नहीं किया। स्वामी जी उनके तर्कों के समक्ष बिल्कुल चुप हो गए। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई के गवर्नर को महार बटालियन की स्थापना का सुझाव दिया, जिसे गवर्नर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जैसे ही अपने नेता से महारों को आदेश मिला, वे सेना में भर्ती हो गए और इस प्रकार एक अच्छी बटालियन की स्थापना हो गई।
उधर वाइसराय ने डॉक्टर अंबेडकर को सुरक्षा सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत कर दिया। एमसी राजा भी इस समिति के सदस्य बन गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटेन के भारत मंत्री से इस बात की शिकायत की कि कार्यकारिणी में दलितों का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया, जिसका फल आगे चलकर अच्छा ही निकला। उधर मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड किप्स ब्रिटिश सरकार की ओर से एक योजना लेकर भारत आए, जिसमें भारतीय संघ के प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार आत्मनिर्णय दिया गया। किसी भी दल ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें विभाजन सिद्धांत निहित था। उसमें दलितों की तो बिल्कुल ही उपेक्षा की गई थी। इसलिए डॉक्टर साहब ने किप्स योजना को दलितों के साथ विश्वासघात कहा। डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता तथा सेवाओं को देखते हुए भारत के वाइसराय ने 2 जुलाई 1942 को उन्हें अपनी कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया और उन्हें उनकी श्रम समस्याओं में रुचि देखकर श्रम विभाग सौंपा गया। इस प्रकार उन्होंने श्रम मंत्री के पद को सुशोभित किया। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह एक अपूर्व घटना थी। उससे समूचे दलित समाज में उत्साह एवं उल्लास का वातावरण पैदा हुआ। जब डॉक्टर अंबेडकर 18 जुलाई को नागपुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उसी दिन एक सभा में उन्होंने गोलमेज परिषद से लेकर दलितों की राजनीतिक प्रगति का ब्यौरा बतलाते हुए कहा, सरकार की परिवर्तित नीति अछूतों के विरुद्ध है। किस्प योजना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह योजना अछूतों के साथ एक विश्वासघात है। उधर मुस्लिम लीग की नीति में भी परिवर्तन हुआ है। मुसलमान पहले अपने को अल्पसंख्यक मानते थे, परंतु अब वे अपने को राष्ट्र मानते हैं। गैर मुसलमानों में ये मुस्लिम नेता कोई भेदभाव नहीं करते। भारत के राजनीतिक जीवन में हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते हैं। दलित समाज हिंदू समाज का अंग नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्र समाज है और इसलिए उसको राजनीतिक अधिकार चाहिए। यही मेरा दृढ़ विचार है। आज हमारे स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है, इसलिए हमें अधिक संगठित एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारा संघर्ष न्याय एवं मानवता के लिए है, वह पूर्णतः न्यायोचित है। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित जाति के एकत्र नर नारियों से कहा, हमारा संघर्ष सत्ता या संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए है। अतएव पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इसी सभा में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी हुई, जिसका महामंत्री पीएन राजा भोज को बनाया गया। एक प्रस्ताव में सरकार से मांग की गई कि अछूतों को सभी दृष्टि से पृथक माना जाता है, इसलिए उनके लिए पृथक बस्तियों का निर्माण हो और इसके लिए एक सेटलमेंट कमीशन नियुक्त किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने श्रम मंत्री की हैसियत से जो कुछ संभव था वह दलितों की भलाई के लिए किया। सरकारी पद पर होते हुए भी वे दबी जबान से कभी नहीं बोले और दलितों के हितों की सुरक्षा के लिए वे सदैव काम करते रहे। नागपुर में एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने बतलाया, एक बार मैं लॉर्ड लिनलिथगो के पास गया और उनसे मैंने खुले दिल से शिक्षा संबंधी खर्चों पर बातें की। मैंने उनसे कहा कि यदि आपको गुस्सा ना आए तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ अवश्य पूछिए। क्या यह सच नहीं है कि मैं अकेला 500 ग्रेजुएटों के बराबर हूँ? डॉक्टर साहब ने पूछा। हाँ मैं मानता हूँ, लॉर्ड लिनलिथगो ने स्वीकार किया। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा कि इसका कारण क्या है। उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें समझाया कि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई विद्वता इतनी है कि शासन के किसी भी पद पर बैठकर वह उसे संभाल सकते हैं। मुझे ऐसे ही विद्वान चाहिए जो शासन में रहकर दलितों की अच्छी देखभाल कर सकें। यदि आप चाहते हैं तो ऐसे को पैदा करना होगा। केवल क्लर्क पैदा करने से काम नहीं चलेगा। लॉर्ड लिनलिथगो ने डॉक्टर साहब के तर्कों को माना और उसी वर्ष 10 दलित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजा। डॉक्टर अंबेडकर ने ही अन्य सभी सरकारी सेवाओं में दलितों को सुरक्षित स्थान प्राप्त करवाए। उनके केंद्रीय कार्यकारिणी में होने से समस्त दलित समाज का सम्मान बढ़ गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलितों का स्थान सुरक्षित सा हो गया। दलितों की संख्या देखते हुए डॉक्टर साहब ने कार्यकारिणी में 3 सदस्यों की मांग की थी। इसी बीच देश की राजनीतिक स्थिति गंभीर हो गई। अपने रायगढ़ 1940 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत को विभाजित करने के किसी भी प्रयास की निंदा की। उसी वर्ष मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके मुसलमानों के लिए पृथक स्थान अर्थात स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग पेश कर दी थी। एक ओर सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि भारत की एकता बनी रहे, परंतु दूसरी ओर जिन्ना भारत को विभाजित करने पर तुल गए थे। डॉक्टर अंबेडकर इन घटनाओं को बड़ी सावधानी से देख रहे थे। भारत में सांप्रदायिक दंगे भी प्रारंभ होने लगे। इसी वर्ष डॉक्टर साहब का ग्रंथ थॉट्स ऑन पाकिस्तान प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने मानव सहार रोकने के लिए भारत को हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान में विभाजित करने के पक्ष में
तर्क दिए। डॉक्टर साहब ने बड़े ही ठोस तथ्यों के आधार पर इस विभाजन का समर्थन किया था। उन्होंने स्वयं हिंदुओं की आलोचना की, पर मुसलमानों की मनोवृत्ति तथा समाज पद्धति की भी बहुत ही कटु आलोचना की है। मुसलमानों ने अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग अपनाया था, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने लुटेरों का ढंग कहा है। उधर कांग्रेस का मशहूर भारत छोड़ो का आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इससे जनता में उत्तेजना फैल गई और कई प्रांतों में हिंसात्मक कार्यवाही सरकार के विरोध में शुरू हो गई। कई सप्ताह देश में अव्यवस्था बनी रही। सरकार ने अपने दमन चक्र को चलाकर हिंसक आंदोलन को दबा दिया। अपनी असफलता को महसूस करते हुए गांधी ने 10 फरवरी 1947 में आगा खां महल पुणे में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया, जिससे सारे देश में चिंता का वातावरण पैदा हो गया। गांधी जी के प्रति सहानुभूति दिखाने की दृष्टि से बापूजी अन्ने, सर मोदी और नलिनी रंजन सरकार में वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं दिया, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। राजनीतिक गतिरोध सरकार ने नहीं वरना हिंदू मुस्लिम विरोध ने पैदा किया था, और हिंदू मुस्लिम एकता ऐसी स्थिति में संभव नहीं थी, क्योंकि जिन्ना साहब मुसलमानों को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर चुके थे। स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को आगा खां महल से रिहा कर दिया गया। पुणे से वे पंचगनी चले गए। गांधी का आशीर्वाद प्राप्त करके अप्रैल 1944 में श्री राजा गोपालाचारी ने एक पाकिस्तानी योजना जिन्ना के सामने रखी, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि विश्व युद्ध के पश्चात एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा, जो उत्तर पश्चिम एवं पूर्व भारत के जिलों का दौरा करके जनसाधारण के मतों के आधार पर इस बात का निर्णय करेगा कि बहुमत पृथक होने के पक्ष में है अथवा नहीं। यदि बहुमत पृथक होने के पक्ष में होगा तो उसे कार्य रूप दिया जाएगा। इस योजना के संदर्भ में गांधी बम्बई जिन्ना से मिलने गए और 21 दिन लगातार मुलाकातें होती रहीं, पर गांधी हिंदू मुस्लिम एकता लाने में बिल्कुल असफल रहे। इन्हीं दिनों डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी को एक पत्र लिखकर यह इच्छा प्रकट की कि वह दलितों की कुछ समस्याओं को लेकर कोई समझौता करना चाहते हैं, क्योंकि वह जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयत्नशील हैं, उसी प्रकार उन्हें छूत अछूत एकता का भी यत्न करना चाहिए। लेकिन गांधी ने 6 अगस्त 1944 के अपने पत्र में उन्हें उत्तर दिया कि अछूतों की समस्या पर हम दोनों के मौलिक मतभेद हैं। अंबेडकर वर्णा आश्रम व्यवस्था के विरोधी थे, जबकि वे उसके कट्टर समर्थक थे। गांधी चाहते थे कि अछूत हिंदू धर्म में ही जहां हैं वहां रहें, हालांकि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, परंतु अंबेडकर दलितों को स्वतंत्र तथा सबके समान देखना चाहते थे। निश्चय ही अंबेडकर वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध थे, पर हिंदू धर्म का भी उन्हें गांधी द्वारा विरोधी माना जाना एक भूल थी। किप्स योजना के अंतर्गत मुस्लिम लीग की मांग के अनुसार भारत के विभाजन का सिद्धांत विद्यमान था, इसलिए वह राजा जी की पाकिस्तानी योजना के आधार पर जिन्ना से समझौता करने के लिए बम्बई गए और कई सप्ताह बातें करते रहे। लेकिन चूंकि किप्स योजना में अछूतों की राजनीतिक मांगों को कोई महत्व नहीं दिया गया था, इसलिए गांधी ने अंबेडकर की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, हालांकि वे समझौते के लिए बड़े उत्सुक थे। बलवान के सामने झुकना, नम्रता दिखाना और सीधे साधे पर अकड़ना राजनीति की एक कहावत है, अतः एक राजनीतिज्ञ के रूप में गांधी कोई अपवाद नहीं थे। गांधी जिन्ना जैसे मुस्लिम नेता के सामने अपनी दुम हिलाते डोलते थे, जबकि अपने ही धर्म भाई अंबेडकर को आंखें दिखाते और दलित समस्याओं के संबंध में टालमटोल नीति का अनुसरण करते। गांधी तथा कांग्रेसी नेताओं ने अपनी ही नीतियों से मुसलमानों को मजबूर कर दिया था कि वे हिंदुओं से पृथक होने की मांग रखें, फलतः भारत का विभाजन सदैव के लिए हो गया। Thank you.